છોકરી ક્યાં છે? ચલ કે દેખા. જી ચલ કે. હા ભાઈ, લાખો માં એક છે મારો છોકરો. ઉસકે પલ્લે કહી લૂલી લંગડી આ ગઈ તો. અરે જોવું પડે, દેખના પડતા હૈ સબ કુછ. નિકાલ સંડા. सामने सामने. हाँ हाँ ठीक है, बस 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 बस. अच्छा ये बताओ कि गाना बजाना कुछ शौक है कि नहीं, कि फिर खेल कूद और फिर पोथी वाचने में ही मन लगता है? गाना बजाना गाओ बेटा. अजीब अजीब गाना मुझे नहीं पसंद है. भजन कीर्तन मैं कुछ भजन कीर्तन नहीं सिखा. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे. बस बस. आउच. ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, दिखना पड़ता है, जो वो पड़े छे भाई. आजकल की लड़कियां ना सब नकली लगाती है. वो क्या नकली पलके, नकली आंखें, नकली बाल. जी कुम 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 कुम. ठीक है चलो पढ़. तो फिर क्या फैसला किया है आपने हमारी बेटी के भविष्य का? ना ये आप क्या कह रही है? आखिर क्या कमी है हमारी बेटी में? हटिएगा जी पंडित. चल अरे भाभी सुनिए, भाभी सुनिए तो. भाभी छोकरी तो बहुत सरस छे, फिर आपको पसंद क्यों नहीं आई? पंडित कितनी बार तुम्हें समझाया है, मुझे गवार काय चाहिए. चंट चालाक और चतुरनार नहीं चाहिए, समझे तुम? पर भाभी उसने उसने तो अपना मुंह भी नहीं खोला. मुंह नहीं खोला? पंडित पता नहीं इसके पहले उसने कहां कहां मुंह खोला होगा, क्या बका होगा और क्या किया होगा. इसलिए तो उसके घर में इतने सारे मेडल और कप. ना ना મને આવી વહુ નથી જોઈતી. તો પછી ભાભી તમારે કેવી બહુ જોઈએ? પંડિત તેરી યાદાશ ના કમઝોર હો ગઈ હૈ. કિતની બાર કહા હૈ કે બ્રાહ્મી ખાયા કર. અબ આખરી બાર તુજે કહેતી હું, ધ્યાન સે સુન લે. મુજે એસી બહુ ચાહિયે જો ઝબાન હોતે હુએ ભી બેઝબાન રહે.
नैनो के होते हुए भी नैनो की कला से मेरे छोकरे को अपने इशारों पे न नचाए, हाथ पैर होते हुए भी कठपुतली की तरह सिर्फ मेरे और मेरे इशारों पे चले, समझे? आइए उर्मिला बेन, आइए, ये है आपके लिए सोने का कमरा। अब क्या है ना, नई जगह पे नींद नहीं आती है ना, यही सोचकर मैंने आपके लिए ये कमरा तैयार करवाया है। अब वो क्या है ना, पंखे वालों को एसी की तो आदत नहीं है, तो एसी नहीं चलता। एसी चलेगा तो जोड़ों में दर्द होगा, क्योंकि हवा तो बर्फ जैसी ठंडी होती है ना। फिर आप ही कहेंगे, हे ठाकुर जी, समधन के यहाँ क्या गई, सौगात में दर्द लेकर लौटी। नहीं नहीं, इसीलिए आराम से पंखे की हवा खाइएगा, हैं? और वो शुद्ध उबला हुआ पानी है, पंखे की हवा और गर्म पानी, और चैन से सोइए, है ना? जय श्री कृष्ण। पर समधन जी, अरे कर दिया ना गलत काम उर्मिला बेन, जाने वाले को पीछे से टोकते नहीं, अब शगुन होता है। काकी, आपने बुलाया? हाँ दिकरा, आज मालपुआ बना रहे ना, मैंने सोचा तुम्हारे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है, तो आज मालपुए तुम बनाओ। नहीं मम्मी जी, वो मैं सोच रही थी कि अगर आप हमें करके दिखा दे तो हम भी सीख लेंगे, और वैसे भी मायके में और सासरे में खाना बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन अब मैं आपको पूरी मदद करूंगी। ये भी ठीक है। गोपी एक काम कर, मुझे आटा ला दे। काके जी, मेरे हाथ में क्या? मेरे हाथ लगा रखा है? हाथ में क्या मेहंदी रचा के रखी है जी? हे भगवान, तुम्हें मालूम था ना कि तुम्हें मालपुए बनाने हैं, उसके बाद अचार डालना है, अब वहां क्या देख रही है? अब समझी, घर के काम से बचने के ये सब रास्ते हैं। कोकिला, जवा देने, मालपुए मैं बना दूंगी। गोपी दिकरा, अपने हाथों की मेहंदी अच्छी तरह से रचने देना। नहीं नहीं मम्मी जी, क्या बातें कर रहे हो, बहू के होते हुए आप काम करेंगी? चलिए हटिए, मैं करती हूँ। नहीं, मेरे बहू के दिमाग में जो रोज रोज नई खुराफाते पैदा होती है ना, उसको मैं यही खत्म कर देना चाहती हूँ, समझी तुम? हाथ धो। और तू क्या दीदे फाड़ के देख रही है? सब्जी काट, खड़ी होके। तो आपको किसने खबर की? हाँ, गोपी ने या फिर राशि ने? या
फिर गोपी राशि दोनों ने? हाँ? नहीं मतलब राशि ने या गोपी ने आपको खबर की इस बात की? हाँ? आप ही तो कह रहे थे कि अचानक आपको दिख रही हो कि याद यहाँ खींच आई। और संयोग से जीतू भाई का भी मिठाई लाना, भावुक हो जाना और फिर आपसे रहा नहीं गया और आप मिलने चली आई। या फिर ये सच है कि आपको खबर मिली? साचू शू छे बराबर। मिलने तो मैं छोकरियों को ही आई थी, फिर आके यहां सब पता चला। पता चल गया ना अब आपको, तो आगे से इनकी फिक्र मत कीजिएगा। आपकी छोकरियां अब हमारी बहुएं हैं, है ना मोटा भाभी? हाँ, और हमारे दीकरे की पत्नियां हैं। और हमारे दिखरे समर्थ है अपनी पत्नियों का ख्याल रखने के लिए। समझी गया ना तुम्हें? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।